हेलो गाइस, स्वागत है मेरा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्रोमोजोनल डिसऑर्डर के बारे में। जो क्रोमोजोनल डिसऑर्डर दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोजोन डिसऑर्डर और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोजोनल डिसऑर्डर। मैं इस वीडियो में सेक्स क्रोमोजोन डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा, जिसमें चार टाइप होता है। पहला होता है केनीफिल्टर सिंड्रोम, और दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम, और तीसरा होता है सुपर मेल और जैकब सिंड्रोम, और चौथा होता है आपका सुपर फीमेल और मल्टी एक्स फीमेल। तो मैं इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं केनीफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। केनीफिल्टर सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम व्हिच रिजल्ट इन टू एक्स एक्स वाई। इस सिंड्रोम में बेसिकली मेल में ज़्यादा होता है, जिसमें मेल बॉडी में फीमेल मास्कुलिन बॉडी डेवलप होता है, जिसमें ब्रेस्ट डेवलप होता है, उसमें उसको हम बोलते हैं गायनोकोमेस्टिका। और चाइल्ड होता है, जिसका मतलब है वो जो इंडिविजुअल कोई यंग बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आप लोग डायग्राम देख लीजिए कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर है केनीफिल्टर सिंड्रोम के। अभी शुरू करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स दैट इज विथ एक्स ओ। बेसिकली ये वाला फीमेल में ज़्यादा होता है, जिसमें फीमेल स्टेराइड होता है और लैक ऑफ अदर सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जिसमें फीमेल का बॉडी थोड़ा सा शॉर्ट होता है। आप लोग डायग्राम में देख लीजिए क्या होता है टर्नर सिंड्रोम के बेसिक इफेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे सुपर मेल और जैकब सिंड्रोम के बारे में। 1000 मेल में से एक मेल में होता है, इसमें एक्स्ट्रा एक वाई क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद ये वाला होता है 44 प्लस एक्स वाई वाई क्रोमोसोम, जिसमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंक्रीज, और जो इंडिविजुअल इसमें इफेक्ट होता है उन लोगों के एबनॉर्मल हाइट ज़्यादा होता है, एग्रेसिव बिहेवियर और क्रिमिनल बिहाइंड ऑफ माइंड ज़्यादा होता है, और मेंटली रिटार्ड होता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं सारा यहाँ पे इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट होता है वहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग बात करेंगे सुपर फीमेल के बारे में। सुपर फीमेल और मल्टी एक्स फीमेल, यही एक टाइप होता है आपका केनीफिल्टर सिंड्रोम का, जिसमें फीमेल में इफेक्ट होता है, जिसमें फीमेल में एक्स ज़्यादा होता है और एक ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। एक्स ज़्यादा ऐड होने के बाद वो हो जाता है 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। बेसिकली 100 ओमेन के बीच एक ओमेन को इफेक्ट करता है, जिसमें ओमेन का बॉडी मेंटली रिटार्ड होता है और ओमेन स्टेराइड होते हैं, जिसके मतलब ओमेन एक प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन उससे कोई यंग वन बात नहीं दे सकता है। यही था आप लोगों को सेक्सुअल क्रोमोजोन के बारे में सब कुछ, और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्या ऑटोसोमल क्रोमोजोन डिसऑर्डर के बारे में वीडियो चाहिए कि नहीं, और आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आप लोग चैनल में नया है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।